पेरेंट्स को माफ कैसे करूं? स्टूडेंट, जब मैं छोटा था तब मुझे बस यही चाहिए था कि मैं मेरे फादर के साथ बहुत टाइम स्पेंड करूं। लेकिन जब वो सुबह जाते थे तब वो मम्मी के साथ लड़ते हुए जाते थे, और जब वो रात को देर से घर आते थे तब भी वो वही रिपीट होता था। वो कभी भी मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं थे। टीचर, क्या तुम वीकेंड पर या कभी और उनसे बैठकर बात किया करते थे? स्टूडेंट, वो पूरे हफ्ते काम करते थे और हमारी इसके अलावा कभी बात नहीं होती थी। वो तो बस इतनी बात पे खुश थे कि मैं स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, इसलिए मैं भी बस मेरी परफॉर्मेंस को अच्छा रखने के लिए मेहनत करता था, ये सोच कर के एक दिन वो मेरी लाइफ के बारे में और मुझे क्या फील हो रहा है इन सब के बारे में बात करेंगे। ऐसे बहुत दिन थे जब मेरी इच्छा होती थी कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूं कि बस एक दिन मेरे साथ घर पर रहो, लेकिन ऐसा होता नहीं था। टीचर, अब उनके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा है? स्टूडेंट, अब हर हफ्ते एक दिन वो छुट्टी लेते हैं। वो चाहते हैं कि मैं रूम से निकल कर उनसे बात करूं। उन्हें अब बहुत सारी बातें करना पसंद है, लेकिन पता नहीं कुछ ज्यादा बात नहीं हो पाती कभी भी। टीचर, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी बात नहीं हो पाती? स्टूडेंट, पता नहीं, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जो कॉन्वर्सेशंस उस टाइम में चाहता था वो कभी हो नहीं पाता। टीचर, देखो एक सर्कल की तरह है। वो अपना टाइम इस स्टेबिलिटी को पाने में स्पेंड कर चुके हैं, और अब जब उन्हें लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी मिल गई है तब वो रियलाइज कर रहे हैं कि उनसे क्या गलतियां हुई हैं। क्योंकि वो बड़े हैं इस वजह से उनका ईगो उन्हें कभी अपोलोजाइज नहीं करने देता। स्टूडेंट, पर अब मैं उस रिलेशनशिप का क्या करूं जिसमें मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है किसी चीज का? टीचर, ऐसा नहीं, अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो तुम मुझसे इस बारे में बात नहीं करते। स्टूडेंट, आजकल वो मुझसे बहुत ज्यादा बात करना चाहते हैं तो मुझे अजीब लगता है, ऐसा लगता है कि सब फेक है। टीचर, कैसा रहेगा कि तुम अब उनसे बात करो और ये जो तुम्हें अजीब लग रहा है उसे भूल जाओ। कैसा रहे अगर तुम उन्हें एक लेटर लिखो जिसमें तुम उनसे माफी मांगो उन बातों के लिए जिससे तुमने उन्हें हर्ट किया है। स्टूडेंट, मैं माफी मांगू? मैं तो खुद विक्टिम हूं, मैं क्यों माफी मांग लूं? टीचर, तुमने अभी एकदम सही कहा। जो हमसे सच्चा प्यार करता है वो बिना माफी मांगे ही हमें माफ कर देता है। तुम्हें पता है माफी मांगने में सबसे अच्छा पार्ट क्या है? जब हम किसी से माफी मांगते हैं तब हम सामने वाले के लिए भी ऐसा ही स्पेस क्रिएट करते हैं जिसमें वो भी हमें इजीली माफ कर सके। स्टूडेंट, ये काफी मुश्किल है, मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं। टीचर, अगर तुम ये कर लो तो भी अच्छा है, और ना करो तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। सवाल यहां पर यह है कि क्या तुम रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए रेडी हो? स्टूडेंट, हाँ मैं रेडी तो हूं, लेकिन अगर मैं माफी मांगना ना चाहूं तो इसका मतलब यह है कि मैं रिलेशनशिप सही नहीं करना चाहता। टीचर, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट, तो फिर मैं क्या करूं? अगर मैं माफी नहीं मांगना चाहता तो और क्या तरीका है रिलेशनशिप को सही करने का? टीचर, तुम उनसे ज्यादा से ज्यादा बात कर सकते हो। तुम ये समझ कर बात करो कि तुमने उन्हें माफ कर दिया और अब तुम्हारे मन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट, इसका मतलब मैं उनके माफी मांगने का वेट नहीं करूं? टीचर, हाँ बिल्कुल, तुम बस उनसे खूब बात करो।